हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड आलू पैटीज की रेसिपी। शाम के समय में अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप ब्रेड आलू पैटीज एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज मैं इसको चीज़ के साथ भी बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी यम्मी लग रही है, और मैं इसे विदाउट चीज़ के भी बनाऊँगी। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 से 5 बॉयल्ड आलू लिया है, और अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे चम्मच की सहायता से काफ़ी अच्छे से मैश कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे सारे आलू मैश हो चुके हैं। तो अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ इसको फ्राई करने के लिए 2 हरी मिर्च काट ली है, 5 से 6 लहसुन की कली को भी मैंने काट लिया है, और यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए गैस पे रखा है, और अब इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल रखा है। सरसों तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच सरसों यानी पीला सरसों रखेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह तोरी भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ कटी हुई मिर्ची को भी ऐड कर लिया है, और अब हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। लगभग 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें कटे हुए प्याज को भी ऐड कर लेंगे, और उसको 2 से 3 मिनट तक सॉटे करना है। और अब मैंने यहाँ पे मैश्ड आलू को ऐड कर लिया है, और इसे अच्छे से मिलाते हुए हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाते हुए काफ़ी देर तक भूनना है। जब तक कि अच्छे से फ्राई ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आलू काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर लिया है, और अब इसे ठंडा होने के लिए हम कुछ देर रखेंगे। तो हम यहाँ पे ब्रेड आलू पैटीज बना रहे हैं, तो ब्रेड की कोटिंग के लिए हम यहाँ बेसन का घोल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम बेसन लिया है, और अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन ऐड करने के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर के बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा घोल तैयार करेंगे, और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका घोल कितना अच्छे से तैयार हो चुका है, और इसमें कोई लम्स नहीं बचे हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड लिए हैं, और 2 चीज़ की स्लाइस ली है, और अब हम 2 ब्रेड विदाउट चीज़ के बनाएंगे और 2 ब्रेड चीज़ के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ग्रीन चटनी की कोटिंग की है, और हम यहाँ 1.5 ब्रेड पे फर्स्ट लेयर ग्रीन चटनी की कोटिंग करेंगे। और इसके बाद हम इस पर फ्राई किए हुए आलू को ऐड कर लेंगे, और इसे चारों तरफ अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये चारों तरफ बराबर रहे। तो मैंने यहाँ 4 ब्रेड पे आलू को अच्छे से रख लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम 2 ब्रेड को सिंपली बीचों बीच कट कर लेंगे, और 2 ब्रेड के ऊपर हम चीज की स्लाइस रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने चीज की स्लाइस को रख लिया, तब हम इसको भी बीचों बीच कट करेंगे, और इसके बाद हम इसको दोनों साइड को एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। मैंने उस वाले पार्ट को नहीं ज्वाइंट किया है क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ आलू ऐड किया है इसलिए। तो अब हम एक कढ़ाई में तेल को रखेंगे गर्म होने के लिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम विदाउट चीज़ वाले
पैटीज को फ्राई करेंगे। तो अब हम इसको ब्रेड को अच्छे से बेसन के साथ कोट कर लेंगे और गरम तेल में इसे फ्राई करने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों पैटीज रखा है और ये जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे ब्रेड आलू पैटीज रेडी लग रही है, लेकिन हम इसे 2 मिनट तेल में और पकाएंगे। अब हम इसे निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे रखेंगे ताकि इसके अंदर जो ऑयल एब्जॉर्ब हुआ है वो टिश्यू पेपर सोक कर ले। और अब हम चीज़ वाले पैटीज़ को भी फ्राई करेंगे। तो इसे भी हम बेसन के घोल में डालकर चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे गर्म तेल में रखेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों चीज़ पैटीज़ को तेल के अंदर रख लिया है और इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ हमारा पिघल के बाहर आने लगता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा आने लगता है। इसे भी हम अच्छे तरीके से पकाएंगे और जब ये फाइनली फ्राई हो जाए तो हम इसे बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ थोड़ी थोड़ी बाहर आ गई है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये ऐसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारे ब्रेड आलू पैटीज विद चीज़ और विदाउट चीज़ दोनों फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे प्लेट में सर्व करती हूँ ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ। तो आप इसे इवनिंग स्नैक्स में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ सबसे पहले आलू पैटीज को कट किया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने आलू और चटनी जो लगाया था वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और अब इसके अंदर जो चीज़ है आप उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें। बाय बाय दोस्तों।